नगर निगम के रानीगंज 2 नंबर बोरो ऑफिस अंतर्गत 34 नंबर वार्ड के 9 नंबर बूथ पर रह रहकर हंगामा होता रहा। सीपीएम प्रत्याशी संजय प्रमाणिक एवं बीजेपी प्रत्याशी आनंद साव एक साथ बूथ पर प्रदर्शन करते दिखे। संजय प्रमाणिक ने अपने ऊपर हुए हमले में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस का हाथ बताया। घटना को उत्तेजित होता देख रानीगंज के इंस्पेक्टर इंचार्ज सुदीप दास गुप्ता के नेतृत्व में व्यापक पुलिस बल कड़ी कार्रवाई करती दिखी। शनिवार की सुबह 11 बजे से ही आसनसोल नगर निगम की रानीगंज 2 नंबर बोरो अंतर्गत 34 नंबर वार्ड के 9 नंबर बूथ में रह रहकर उत्तेजना बढ़ती गई। छप्पा वोट देने का आरोप लगाकर सीपीएम प्रत्याशी संजय प्रमाणिक एवं बीजेपी प्रत्याशी आनंद साव ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। क्या हुआ घटना? घटना स्थल हम लोग का लड़का लोग को निकाला गया है धमका करके चमका करके, और यहाँ रानी का 34 नंबर वार्ड है। हम बता दे रहे कोई है कि सोच लगाना तो आपका बापोते नहीं है। यहाँ पर सड़कों गुंडा भी निकले देंगे, गुंडा भी निकले देंगे। यहाँ पर एक छोटे आदमी को नहीं जुड़ निकाले देंगे अपना। और यहाँ अगर हम लोग का बूथ नहीं जाएगा पुलिस पार करो, पार करो पुलिस तरह पार करो तरह देखे पीछे पीछे। लेकिन दोपहर के बाद पुनः उत्तेजना फैल गई। सीपीएम प्रत्याशी संजय प्रमाणिक ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर अपने ऊपर हुए हमले का जिम्मेदार ठहराया। घटना की सूचना पाकर रानीगंज के इंस्पेक्टर इंचार्ज सुदीप दास गुप्ता के नेतृत्व में व्यापक पुलिस बल ने आकर स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने भीड़ पर लाठियां भी बरसाई। पुलिस की तत्परता से स्थिति नियंत्रण में आई। घायल संजय प्रमाणिक को आनंदलोक अस्पताल में भर्ती कराया गया। इधर पुलिस ने हंगामे के आरोप में कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। रानीगंज राम बगान बाईपास रोड स्थित 9 नंबर बूथ पर उत्तेजना के कारण कुछ देर के लिए वोट भी प्रभावित रही। इस बारे में सीपीएम प्रत्याशी संजय प्रमाणिक ने घटना के लिए तृणमूल कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि बूथ दखल करने का विरोध करने पर हमारे ऊपर हमला किया गया। बार बार बोले सीपीआईएम प्रार्थी हमें 34 नंबर वार्ड है। हमार नाम संजय प्रामाणिक। हमें बार बार सकाल থেকে শূন্য পাড়া নিয়ে কন্টিনিউ বলে গেছি। 11টার আগে আমাদের চারজন যে চারটে বুথ ছিল পোলিং এজেন্ট তাদেরকে বের করে দেওয়া হয়েছে। তারপর আমি আসি এসে সমস্ত কমপ্লেইন করব, আবার পোলিং এজেন্ট তিনটে বুথে আমি বসাতে পারি। বসানোর পর আবার আমি আইসি কে পাঞ্জাবের আইসি আমি একদম নাম ধরে বলছি পাঞ্জাবের আইসি যিনি আছেন তাকে আমি বললাম যে এক ঘন্টার মধ্যে কিন্তু ওরা আবার দখল করার চেষ্টা করবেন। উনি কিন্তু প্ল্যান করে পুলিশের মদতে আমাকে মার খাওয়ানো হলো। তারা তারা দখল করতে বলে यही आरोप बीजेपी प्रत्याशी आनंद साव ने भी लगाते हुए बूथ पर हंगामा मचाया। हालांकि इस वार्ड के तृणमूल प्रत्याशी रंजीत सिंह उर्फ ज्योति ने सीपीएम प्रत्याशी द्वारा लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि तृणमूल कांग्रेस का कोई समर्थक इस घटना में शामिल नहीं है। वोट पूरी तरह शांतिपूर्ण ढंग से ही चल रहा था, परंतु सीपीएम प्रत्याशी संजय प्रमाणिक एवं बीजेपी प्रत्याशी आनंद साव के पहुंचने पर ही अशांति का वातावरण को प्रोत्साहित किया गया। লোক কিছু বলেনি, অনেকক্ষণ ধরে ওখানে মানে আমি ওই বুথে অনেকক্ষণ ধরে ওখানে মানে স্ট্যান্ড বাই ওখানে আপনার নেতৃত্বে মাত্র রয়েছে এমনটাই অভিযোগ করছে। হ্যাঁ, এটা আমি কথা অভিযোগ আছে আমাদের নেতৃত্বে আমাদের ভোট কি তাহলে শান্তিপূর্ণ হচ্ছিল? হ্যাঁ, শান্তিপূর্ণ হচ্ছিল। শান্তিপূর্ণ আপনারা তো দেখছেন, আপনারা তো ঘুরে ঘুরে দেখছেন ওনাদের তো জমা হয়েছে। তাহলে অভিযোগ করছে মিথ্যা নাকি? অভিযোগ মিথ্যা অভিযোগ আছে। এবার কে করেছে না করেছে হয়তো বিজেপির ছেলে করেছে।
নমস্কার। রামবাবু।